हमने नियम बनाया है भाई दिला है। वेरी गुड, कहाँ है? अच्छा अच्छा चलो कोई बात नहीं। एक हमने थोड़ा सा विद्यालय के लिए मैं चाहता हूँ सबके लिए होना चाहिए। बच्चों का जब जन्मदिन आता है एक काटते हैं कि पैसे खर्च करते हैं तो वो भी करना चाहिए, लेकिन एक आदत होनी चाहिए, एक अच्छा काम करें। अच्छा काम बच्चों ने बता रखा है अपने स्कूल के हिसाब से, तो हमने कि जब बर्थडे रहे तो हम तो यहाँ गमले ला के रखे रहते हैं, थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करके आप यहाँ थोड़ा सा कर दें। और माँ बाप को चाहिए घर में प्लांट लगवा दें या उस दिन कोई अच्छी किताब दे दें, कोई खिलौने लाने के बजाय। ऐसा होता है बच्चों के लिए काफी अच्छा रहता है, आदत बनी रहती है और जन्मदिन साल में एक बार आता है। थोड़ा सा पैसा खर्च हो जाता है तो कोई बात नहीं है, पैसा आज खर्च करेंगे तभी कल आगे रिटर्न भी हमको अच्छा मिलता है। और भाई साहब सामने बैठे हैं, इनके भी बड़ा सहयोग रहा, कुछ प्लांट्स भी लेते। मैं कहता हूँ मुझे लगता है कि इतना अच्छा नर्सरी इन्होंने बना रखी है तब मैं शहरों में नहीं देखता हूँ, लोगों के घरों में नहीं देखता हूँ। और इतना सॉरी कहते ना, काम बुद्धि से काम जुनून से होते हैं। देखा होगा सबने, देखा है सभी ने, हमने घर में देखा तो बिल्कुल मतलब कहना चाहिए जैसे कि पूरी नर्सरी यही है, बड़ा अच्छा लगता है देख के। तो मैं तो चाहता हूँ ऐसी नर्सरी हर घर में हो तो गांव की पहचान बन सकती है, तो गांव की पहचान ऐसी बन सकती है हर घर में, कुछ नहीं होता है ठीक है। तो कम से कम चलो गांव का तो मैं नहीं कह सकता हूँ, स्कूल का इको क्लब हमारा कॉन्सेप्ट होता है इको क्लब। एक रिसर्च हुई थी बच्चा अच्छा कहाँ सीखता है, अरे भरे वातावरण जब पेड़ पौधे हों, ये कहने पड़ा था, रिसर्च भी यही है। तो जितना अच्छा पेड़ पौधे लगे होंगे बच्चा उतनी आसानी सीखता, उतना कम तनाव होता है। तो अभी बहुत सारी चीजें करनी है, क्लासरूम में हमको गमले लगाने हैं, अभी तो बाहर भी काफी कुछ करना है। तो जिस महीने जिन बच्चों का बर्थडे हो उनके माँ बाप से अनुरोध है हम थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन लेते हैं, थोड़ा सा सहयोग जरा कर दिया करेगा स्कूल के लिए, सभी के लिए। एक अपील है, क्या हुआ?